मेरे एक्टिंग का मजाक मत उड़ा रहा। मैं ये फर्स्ट टाइम कर रहा रोमांटिक। हीरो है जो मैं हूं। और हम दोनों भी इन्हीं के सॉन्ग के छोटे मोटे किरदार हैं। आप दोनों का चेंज है। ओके गाइस सलाम नमस्ते कैसे हो सका है। हम लोग निकले हैं हमारे नेक्स्ट सॉन्ग म्यूजिक के लिए, नेक्स्ट सॉन्ग शूट के लिए जो कि शूट होने जा रहा है मनाली में। मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। इससे पहले मैं इस साइड आया था, मेरा एक सॉन्ग था वो कसोल में हुआ था, मैं रोया। ये एक रोमांटिक सॉन्ग है जो मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ और इसमें काफ़ी केमिस्ट्री वेमिस्ट्री भी है, प्यार व्यार वाला सॉन्ग है, नया है मेरे लिए और मैंने कभी ऐसे लाइक किया नहीं है। ज़्यादा करके मैंने सैड वीडियोस किए हैं और थोड़ा लड़की को इग्नोर किया है वीडियोस में, ऐसे कुछ सॉन्ग्स लिए, बट अभी लड़की के साथ प्यार करना है। सो डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको करने का, क्योंकि दो दिन रिहर्सल्स हो चुके हैं और रिहर्सल में मेरा इतना बॉडी कांप रहा था क्योंकि थोड़ा सा क्लोजनेस होने से थोड़ा क्लोज आ रहा हूँ मैं, तो वो थोड़ा मुझे वो लग रहा था। बट खुद को मैंने समझाया आज नहीं तो कल ये सब करना ही है एक्टिंग में। निकले अभी शूट के लिए, आज तो हमारा ब्रेक रहेगा क्योंकि आज तो पूरा दिन ट्रैवल और रेस्ट में ही जाएगा। तो अभी मैं हैं, मुस्कान है, देवेन है और मुले है, ये लोग आए हैं मेरे साथ शूट पे। सो लेट्स सी, हम लोग फन करेंगे। मैंने सोचा कि इसका व्लॉग बनाया जाए, आप भी बताओ, लेट्स गो। अब इधर तो हम लोग ने खाना खा लिया है, खाना मतलब इतना भी नहीं क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई यार, दो तीन दिन से सोया नहीं हूँ, तो नॉर्मल मैगी खाया मैंने, बाकी सब लोग ने खाया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मनाली, मतलब अभी 120 या 130 किलोमीटर से। तो अभी उधर जाके होटल जाएंगे, फिर चेंज वेंज करेंगे, थोड़ा शावर आवर लूँगा, देन फिर थोड़ा मार्केट घूमेंगे, फिर उसके बाद कल हमारा होगा चालू शूट। हम लोग पहुंचे, ऐसा लगा कि हम लोग चंडीगढ़ से 6 घंटे में मनाली पहुंच जाएंगे, बट हमको 8-8.5 घंटे लगे। अंधेरा हो चुका है, मतलब यहाँ तो 6 बजे से पहले अंधेरा हो रहा है। अभी मैं फटाफट फ्रेश होऊंगा और जैसे कि मैंने बोला यहाँ से यहाँ के मुझे मार्केट में जाना है, तो फ्रेश होंगे फिर मार्केट चलेंगे, कुछ नई नई चीज़ें देखेंगे या तो ले लेंगे, है क्या नहीं। हाँ वही जैकेट वगैरह लेते हैं कुछ इधर के, मैंने सोचा इधर का फूड भी बहुत अच्छा है तो मैंने खाया नहीं कुछ, इधर के फूड के लिए रुका हूँ। इधर से फ्रेश होके जाएंगे मार्केट, खाना खाएंगे और थोड़ा घूमेंगे, कुछ शॉपिंग भी करेंगे। मैंने सुना है यहाँ के मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं, सो फर्स्ट हम लोग अभी मोमोज ट्राई करेंगे। फिर बहुत भूख लगी है यार, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा मैगी खाया था बस। मैंने खाया था डायरेक्ट एयरपोर्ट पे, बॉम्बे एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट पे खाया था मप्पा, 5 बजे खाया था सुबह, अभी 7 बज चुके हैं शाम के, बस बीच में एक मैगी खाई है, अभी पेट भर के खाऊँगा मजबूत। और ट्राई करेंगे यहाँ पे मॉर्निंग में उठ के वर्कआउट जाए करने,
वर्कआउट, क्योंकि कल मॉर्निंग में हमारा 4 बजे का कॉल टाइम है, तो देखते हैं उससे पहले उठ के वर्कआउट हो गया। अभी हम लोग मार्केट से जाके हैं और हम लोग वहाँ से जल्दी निकल गए क्योंकि मेरा मॉर्निंग का कॉल टाइम है 3:30। देन फिर वो मेकअप वाले आएंगे, हेयर वाले आएंगे, फिर वो सब रेडी होगा। अभी मुझे शावर भी लेना है क्योंकि, तो अभी नहाऊंगा, 10:30 हो रहा है, तो अभी सो जाएंगे जैसे जितना जल्दी हो सके उतना। मॉर्निंग में जल्दी भी उठना है, इसे तो बहुत मुश्किल है यार, पहले नींद पूरी नहीं हुई है और अभी उठना पड़ रहा है, बट कोई नहीं, थोड़ी आदत से भी हो गई अभी ये सब चीज़ों की। सो फटाफट मॉर्निंग में उठेंगे एंड फिर मेकअप करेंगे। ओके, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइज, टाइम पे उठे हम लोग, स्टाइलिश आए थे तो उन्होंने बोला कि आप आउटफिट पहन के रेडी रहो, तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ। फिर अभी मेकअप वाले आएंगे, हेयर वाले आएंगे, तो हेयर मेकअप यही होगा क्योंकि उधर बहुत ठंड होगी। अभी कितना डिग्री मिले मॉर्निंग में? 3 डिग्री में शूट करना है मुझे। एक है सेटिंग कि जहाँ पे हम बैठ सकते हैं अंदर, बट लेट्स सी कैसे जाता है क्योंकि बहुत ठंड हो गई थी, बहुत ठंड में इतनी मॉर्निंग में शूट कर रहे हैं और डांस वीडियो, और पीछे रिवर है, ऊपर से तो और ज्यादा ठंडी लगेगी, वाट लगने वाली। वैनिटी भी नहीं क्योंकि इधर तक वैनिटी नहीं आ सकती, इसलिए उन लोग ने बोला, बट इट्स ओके यार, थोड़े यूज टू है। थोड़ा डांस करेंगे तो थोड़ी बॉडी थोड़ी गर्म हो जाएगी, तो ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो फटाफट रेडी होते हैं, लोकेशन के लिए भी निकलना है, और हेयर स्टाइलिस्ट ने 4:10 पे आएंगे क्योंकि हमको 4:30 निकलना है, इसलिए। शॉट आ चुका है। अच्छा, मैंने जैकेट कैरी किया था, -5 टेम्परेचर है, फर्स्ट टाइम मैं इतने ठंड में शूट कर रहा हूँ। इट्स फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी एंड द टीम, आपका भी, यू एंड टीम, सबका एक्सपीरियंस। चलो अच्छा, साथ में एक्सपीरियंस लेते फिर बोले चल। शूट बहुत प्यारा लग रहा है, ये जो केमिस्ट्री वाला है आप सभी को पता है यार, मैंने इतना पूरा क्लोज आज तक कभी लाइक कोई फीमेल एक्ट्रेस के साथ मतलब ऐसा एक्ट नहीं किया, बट आज कर रहा हूँ और बहुत सीखने मिल रहा है यार इससे। और प्लीज़ गाइस, मुझे थोड़ा अंदर से मतलब पहले ऐसा हो रहा था मॉर्निंग में जब स्टार्ट हुआ, देन वो एक्ट शुरू हुआ, तो ऐसा लग रहा था यार क्या कैसे कर पाऊँगा मैं, बट अभी थोड़ा यूज़ टू हो रहा हूँ। जो मेरी को एक्ट्रेस है वो भी मुझे धीरे धीरे समझा रही है कि नहीं तू ऐसे कर, तो वो भी मुझे दिलासा दे रही है, तो बहुत अच्छी बात है। बट प्लीज़ गाइज, मेरे एक्टिंग का मजाक मत उड़ा रहा नहीं, ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ रोमांटिक। अभी आपको भी पता है एक्शन वीडियोज़ में तो अपना कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, एक्शन वीडियोज़ तो मैं यूँ कर लूँ, सैड वीडियो में यूँ कर लूँ, बट ये फर्स्ट टाइम है ना, तो अच्छी बात, ये भी एक अच्छी बात है कि सीखने मिल रहा है, ये अपने को आगे भी काम आएगा। बहुत एटीट्यूड, बहुत गुस्सा, बहुत सैड हो गया, अभी थोड़ा रोमांटिक, अभी थोड़ा प्यार करते हैं। सो हमारा ये लोकेशन पे शूट हो गया,
अभी आउटफिट चेंज होगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट डांस वाला सीक्वेंस है, फिर वो करेंगे देन बायोस्कोप। मतलब ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है ना, तो वो एक 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 सीक्वेंस का शॉट ले रहे हैं। लुक एट दिस व्यू गाइस, इधर डांस करना है हमें, है ना? हाँ, इसमें डांस करना है। वाओ अमेजिंग, लोकेशन देख के और भी ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ एक्ट करना चाहिए। लाइक यहाँ पे जितना मतलब लोकेशन इतना प्यारा है, तो तुम्हें उसके साथ अपना एक्ट भी कैरी करना चाहिए। सो वो ट्राई कर रहा हूँ मैं करने की। सो ये हमारा सेकंड आउटफिट है और ये हमारा सेकंड लोकेशन, इधर डांस वाले सीक्वेंस है। तुम्हारा भाई फुल कश्मीरी लग रहा है, कश्मीरी पहाड़ी। बोलो सारी बैठ गया, चार्ज पे लगा के आएगा। घमे लोग एक बार आर्टिस्ट के पीछे से घुमा के लगे जाना, ये पत्थर के नजदीक से शॉट से पहले घुमाना, रुक जा। करिश्मा थोड़ी बातें कम, काम ज्यादा। लोबर, अरे भाई मेरे पास क्यों कैमरा ला रहे? आर्टिस्ट उधर है, कभी खुशी कभी मुस्कान, इसमें गम नहीं है। ओए मुस्कान ऐसे करो ना, ये अपना कोड है अपने ग्रुप का, दिस इज ट्रिगर ब्रो। डिड यू टेल मी टू डू इट? या दिस इज ट्रिगर, टेल मी प्रॉपर्ली देन आई विल डू इट। ऐसे करो पूरा, अरे ऐसे ट्रिगर, बंदूक चलाते हैं। सो हमारा यहाँ का जो था वो ख़त्म हो गया, अभी हम लोग करेंगे लंच, देन फिर उसके बाद दूसरा टेक है और फिर चेंज हो गया। गाइस फाइनली हम लोग होटल पे आए, हालत खराब हो गई यार आज। हाँ जो लास्ट वाला सेट था वो -7 चला गया था, तो हालत खराब हो गई यार कसम से, मेरा तो पूरा नाक जाम हो गया है और गले में भी मुझे लाइक कहते हैं ना कि अगर कुछ निकलते तो पेन होता है, वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि होगा कल। तो अभी स्टीम लेके और गर्म पानी पी के सो जाऊंगा और थोड़ी मेडिसिन भी लाई है तो पी के सो जाऊंगा। कसम से इतनी हालत खराब हुई ना गाइस, पता नहीं इसका, मेरी आंखें देख लो आप इतनी लाल है, मतलब नींद भी पूरी नहीं। और कल मॉर्निंग में भी हमारा 6:30 का कॉल टाइम है, तो मुझे कल मॉर्निंग में भी जल्दी उठना है। सो मैं अभी फटाफट सो जाता हूँ स्टीम और गर्म पानी पी के। I get a little bit breathless, my thoughts are too big. Can I get some comfort, please? I guess I should have been honest.
break to my heart. It's weighing me down, baby. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. I know you don't wanna face it. You think it's too late, but I can see past the rain. Won't you lay it on me? Guys, today is our day 2. और आज मॉर्निंग 6:30 का कॉल टाइम था. सो टाइम टू टाइम हम लोग सेट पे आए. अब एक शॉट दिया. मैं वीडियो बाइट मॉर्निंग में उठ के इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि मेरा ये गला ना पूरा पेन हो रहा था बहुत. फिर मॉर्निंग में हमने मतलब देवेन भाई ने मेरे लिए अदरक को पीस के उसका वो रस निकाल के उसमें थोड़ा हनी डाल के गर्म पानी करके वो थोड़ा वार्म पिलाया. सो अभी मुझे बेटर लग रहा है गले में. तो अभी ये यहाँ का तो हमारा शॉट ख़त्म हो गया. सो अभी हम लोग ड्रेस चेंज करेंगे. फिर नेक्स्ट हमारा सॉन्ग का फर्स्ट पार्ट है ना वो शूट हो रहा है बाइक वाला. बाइक है फिर उस पर मैं आऊँगा. फिर वो एंट्री शॉट है अभी चेंज करके. Shooting in public market, it's so difficult. How are you guys? हाँ. Hero है, जो मैं हूँ. और हम दोनों भी इन्हीं के song के छोटे-मोटे किरदार हैं, किरदार निभा रहे हैं. और क्या story telling कर रहे हैं? Thank you. आपको hero बनना है नहीं? बनना है ना? अपने बारे में कुछ बताओ. हेलो गाइस, मेरा नाम निशांत है. और आगे और सारे इसको इसके फैमिली वाले इसको प्यार से लक्खू बुलाते हैं और मैं भी इसको लक्खू बोलती हूँ. लक्खू लक्खू आपका नाम लखन भी है. लक्खन है रे वो. मैं वैसे गाइस मैं एक मॉडल और डांसर हूँ. मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ और हेयर स्टाइलिस्ट. कौन ज्यादा अच्छी एक्टिंग करता है दोनों में से? उसको ये पूरा मैं हूँ. रियल कैरेक्टर चुना है बचपन के लिए. रिश्ता कम 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 जल्दी जल्दी. ये तुम्हारा छोटे बचपन का किरदार है. अरे मेरे सेम है मेरे जैसा. ये बोल रही है इसको कि तू मेरे जैसा स्टेज पोज कर. बोलता तेरे को मैं कॉपी क्यों करूं? बट मैं भी सबसे ज्यादा अलग रहना ज्यादा पसंद करती हूं. एग्जैक्टली. और आप मैं भी. ये आपको इतना चिढ़ा क्यों रही है? और ये मुझे चिढ़ाता है हमेशा. ये आपको क्यों चिढ़ा रही है इतना? लड़कियों को अच्छा बोल रहे. देखो मतलब तुम लड़के अच्छे नहीं हो. पूरा गाइस हम लोग अभी जो लोकेशन पे आए ना सो बेसिकली तेरे घर है. जो ये माउंटेन और सामने वो व्यू, इधर ये व्यू और ये घर, मतलब कितना प्यारा ये लोकेशन है. और पीछे भी घर के पीछे भी माउंटेन, मतलब आजू बाजू पूरे माउंटेन है और ये घर है. इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे बैठने के लिए भी. इतना बेस्ट लग रहा है. और मैंने सोचा कि यार काश यहाँ पे अपनी एक प्रॉपर्टी होती, एक अच्छा सा फार्म बनाते और ऐसा व्यू मिलता आजू बाजू. और वो यहाँ का वो नेचुरल खाना, लाइक आप सबको पता है कि मुझे ठंड बहुत पसंद है. तो लाइक ऐसे महीने में या 6 महीने में 3 महीने में एक बार आने का, 10-15 दिन तक गुजार के जाने का, कितना बेस्ट है यार, कितना बेस्ट. ये प्लानिंग करूंगा मैं. ये भी मेरे एक बकेट लिस्ट में ऐड हो गया. पहली बार मिला था मार्केट में. मैं कभी सोचा भी नहीं था कि इस लड़की से मैं शादी करूंगा.
और देखो हम लोगों ने नदी किनारे में घुमा, जंगल में घुमा, हम लोगों ने पूरा मनाली घुमा एक साथ, हमने कितना अच्छा टाइम निकाला। और आज हमारा वो दिन आ गया, हमारा प्यार को एक नया दिशा मिल गया। तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, तुम दोनों को उठा रहा हूं, तुम दोनों को उठा रहा हूं, देखो तुमको उठाने का नाम उठ रहा है। और नहीं बीच में, कोई बीच में नहीं, ये गले मिला, मेरी बहन है, मैं गिर जाऊंगी। आप दोनों का चेंज है, ओके। तो गाइस हम लोग अभी मॉर्निंग में जल्दी उठ के हमको निकलना है, क्योंकि यहाँ से 10 घंटे पकड़ी लो, अगर ट्रैफिक हुई मतलब ट्रैफिक ऑफिस सब पकड़ी, बट ट्रैफिक को ज़्यादा मिली नहीं। 120 किलोमीटर जैसे आ गए आज, तो यहाँ से 120 है, तो फिर यहाँ से जाएंगे चंडीगढ़, फिर मेरी है दिल्ली की फ्लाइट, और मेरे लोग जाएंगे मुंबई। मुझे दिल्ली दो दिन कुछ काम है इसलिए जाना है डायरेक्ट, फिर उसके बाद मैं मुंबई जाऊँगा। कल रात को हॉट वाटर का एक सीन था, उसमें मैं गीला हुआ गाइस, गर्म पानी में इतना मस्त लग रहा था इतनी ठंडी में, फिर जैसे बाहर निकला ना उसके बाद पता नहीं मेरी पूरी बॉडी गर्म हो गई और मेरी आँख गाँटें भी एकदम लाल हो गई थी। तो फिर मैं कल रात को जल्दी भी सो गया, फिर सोचा कि मॉर्निंग होती है कि ब्लॉग एंड करूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। एंड हाँ गाइस, ये मेरा अपकमिंग न्यू सॉन्ग है, तो इसके लिए भी रेडी रहना, ठीक है। अपना ध्यान रखो, खुश रहो हमेशा और मुस्कुराते रहो। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।